गुरु नानक देव का प्रकाश पर्व श्रद्धा व उत्साह के साथ मनाया गया। इस मौके पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी माथा टेकने गुरुद्वारे पहुंचे। इन नेताओं ने कहा, गुरु नानक देव के बताए रास्ते पर चलकर ही दुनिया का कल्याण है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भोपाल के हमीदिया रोड स्थित गुरुद्वारे पर माथा टेकने पहुंचे और सभी लोगों को गुरु नानक जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं दी। वीडी शर्मा ने कहा कि गुरु नानक देव ने संपूर्ण देश में शांति का संदेश दिया है। आज प्रकाश पर्व के पावन पर्व पर सभी देशवासियों को प्रदेशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज मैं गुरुद्वारे में माथा टेकने के लिए प्रकाश पर्व पर आशीर्वाद लेने के लिए आया हूं और गुरु नानक देव जी ने संपूर्ण दुनिया के अंदर शांति का और समृद्धि का संदेश जो दिया है, आज हम सब लोग भारत के अंदर इस स्थिति में खड़े हैं और एकात्म भारत आज अगर देश के अंदर खड़ा है तो उसमें गुरु नानक देव जी का आशीर्वाद और उन्होंने जो श्रृंखला खड़ी की है आज उसी का कारण है कि हम इस रूप में आज खड़े हैं। इसलिए पुनः एक बार मैं प्रकाश पर्व पर सबको बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी गुरुद्वारा पहुंचे और अपना शीश नवाया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, गुरु नानक देव के बताए मार्ग पर चलने से ही दुनिया का कल्याण संभव है। प्रकाश पर्व है, गुरु नानक देव जी की जयंती, उनके चरणों में बारंबार प्रणाम। उन्होंने जात पात भेदभाव सबसे ऊपर उठ के पूरी दुनिया को शाश्वत शांति के पथ का दिग्दर्शन कराया और उन्हीं के बताए हुए रास्ते पर चलकर हम दुनिया का कल्याण कर सकते हैं। आज गुरुद्वारे उमरिया में आके मत्था टेका और यही प्रार्थना की कि सब सुखी हो, सब निरोग हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, हम अच्छे रास्ते पर चलें। गुरु के सच्चे शिष्य बने, शिष्य सिख है, यही उनके चरणों में प्रार्थना की। सभी बहनों और भाइयों को गुरुदेव की जयंती प्रकाश पर्व पर बहुत बहुत बधाइयां, लख लख बधाइयां, शुभकामनाएं। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।